नमस्ते बच्चों, पार्ट दो है। पार्ट का नाम है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला एक लोक कथा है, मतलब कहानी है। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। पत्नी बोली। बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। बोलू एक व्यक्ति का नाम है। बोलू शाम के समय आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध पीते समय खांसी आई, दूध का लोटा गिर गया, थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। पंख मतलब फेदर अथवा रेक्केगळु अंत करीतल अदक्के। वह घबरा गया, डर गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। पत्नी ने कहा, कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी।